आई थिंक ये फुल स्पीड है। अब इसको ऑफ करना है तो यहाँ पर ऐसे टच कर दीजिए, ऑफ हो गया। फिर आपको ऑन करना है तो इसको ऑन हो गया। अब इसको स्पीड बढ़ाना है आपको तो यहाँ टच करके रखिए ऐसे करके, ये धीरे 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 स्पीड बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए इतना स्पीड आपको करना है, छोड़ दीजिए बस, अब इतना स्पीड में घूमते रहेगा। Oh, all the scars that leave them behind.
आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं मोटर स्पीड कंट्रोलर का, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक मोटर लेंगे जो 3 से 5 वोल्ट के बीच बहुत अच्छा है, वर्क करता है। वैसे ये सर्किट 12 वोल्ट तक का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन 12 वोल्ट में आपको हल्का सा हीट का इशू हो सकता है, ठीक है। तो आप बेटर है कि इसको आप 5 वोल्ट तक ही यूज़ करें। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 वोल्ट का 3 से 5 वोल्ट वाला मोटर लेंगे, समझ रहे ना। उसके बाद फिर आपको लेना है एक बैटरी, यहाँ पर हम लिए हैं बैटरी 4 वोल्ट 3 एम्पीयर का। उसके बाद आखिरी में, ताकि सब कोई किसी को इस सर्किट पर मतलब भरोसा ना टूटे, इसीलिए हम यहाँ पर एक टाइमर लिए हैं। टाइमर इस मतलब मोबाइल में टाइमर ऑन कर देंगे, अभी ऑन कर देते हैं, ताकि अगर हम आपको लगे कि हम इसका स्पीड वीडियो का स्पीड को कम ज़्यादा करके हम अगर कर रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत सारे मतलब व्यूवर भाइयों को ऐसा लगता है कि हम वीडियो का स्पीड को कम ज़्यादा करके मोटर का स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे। अगर हम वीडियो का स्पीड को कम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर भी टाइमर है, ये भी कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, आपको मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, प्रूफ के चलते। तो चलिए, वो सब जो नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं उसके लिए है, बाकी आप लोग के लिए ऐसा कोई बात नहीं। आपको हमको पता है आप लोग हम पर बहुत भरोसा करते हैं। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करते हैं। बैटरी का पॉजिटिव ये वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ यहाँ पर हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बैटरी का नेगेटिव को नेगेटिव के साथ दे दिए। अब करना है मोटर को कनेक्ट, ठीक है। नहीं, उससे पहले ये जो है ये टच में काम करता है, मतलब ग्राउंडिंग चाहिए इसको। तो हम अपना ग्लव्स खोल देते हैं, ठीक है, साइड में रख देते हैं ग्लव्स को। चलिए इसको कनेक्ट। इसका कोई टर्मिनल नहीं होता है, मतलब जिधर आपको घुमाना है उसके हिसाब से आप टर्मिनल इधर चेंज कीजिएगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है। कनेक्ट हो गया, ये भी कनेक्ट हो गया। चलिए इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, इसका ये ऑन है, ये स्पीड कंट्रोल है, ये ऑफ है। तो चलिए प्लस को ऑन करते हैं। ये देखिए ऑन हो गया। अब चलिए इसको स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर भी देखिएगा, जिसको शक होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये देखिए हम स्पीड को बढ़ाएंगे हल्का हल्का, स्पीड घटा, अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, गौर कीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए आपको इतना स्पीड में आपको रोक देना है, छोड़ दीजिए, फिर आपको स्पीड बढ़ाना है तो टच करके रखिए ऐसे करके। ये फुल स्पीड है शायद, आई थिंक ये फुल स्पीड है। अब इसको ऑफ़ करना है तो यहाँ पर ऐसे टच कर दीजिए, ऑफ हो गया। फिर आपको ऑन करना है, जिसको ऑन हो गया। अब इसको स्पीड बढ़ाना है आपको, तो यहाँ टच करके रखिए ऐसे करके। ये धीरे 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 स्पीड बढ़ेगा, ये देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए इतना स्पीड आपको करना है, छोड़ दीजिए बस। अब इतना स्पीड में घूमते रहेगा तो आप इसको ऑफ़ कर देते हैं, ठीक है। इतना प्रूफ काफ़ी होगा, टेस्ट काफ़ी होगा आप लोग को भरोसा दिलाने के लिए। तो ठीक है, अब इसको ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़, ठीक है। तो कमेंट में बताइए गाइस, व्यूवर्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये सर्किट। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप ही का भाई का चैनल है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।